अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तेहमीना यासर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने मेमोराइजेशन पे बात शुरू की थी और आज की वीडियो उसी का पार्ट टू है। मेमोराइजेशन के लिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दी थी और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगी जो कि लॉन्ग पैराग्राफ्स को याद करने के लिए होंगी। लॉन्ग पैराग्राफ्स याद करना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है। कभी वर्ड्स भूल जाते हैं, कभी सेंटेंसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहली टेक्निक जो बताऊंगी उसका नाम है PQRST। जी, PQRST में P का मतलब है प्रीव्यू, Q का मतलब है क्वेश्चन, R का मतलब है रीड, S का मतलब है सेल्फ रेसिटेशन और T का मतलब है टेस्ट। आपने सबसे पहले प्रीव्यू करना है, यानी जो पैराग्राफ आप याद करना चाहते हैं उसको आप सरसरी तौर पे देखें और नोट करें कि ये किस टॉपिक के बारे में है और इसमें क्या कहा जा रहा है। उसकी हेडिंग्स को देखें और उसके बारे में सेकंड स्टेप ये होगा कि आप क्वेश्चन करें अपने आप से कि अच्छा ये किसके बारे में बात हो रही है, ये टॉपिक क्या है, हेडिंग्स क्या क्या है। जब आपने उस पैराग्राफ का प्रीव्यू किया और उस पे क्वेश्चनिंग की अपने आप से, तो उसके बाद आपने उसे रीड करना है, यानी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने सेल्फ रेसिटेशन करनी है, यानी अपने आप को दोहरा के बताना है कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा। रीड करने और रेसिटेशन करने के बाद टेस्ट की स्टेज आती है, लेकिन टेस्ट की स्टेज से पहले आपने ये देखना है कि आपकी रेसिटेशन बेहतर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप 2 या 3 दफा रीड करके उसे रिसाइट कर सकते हैं। लास्ट में आपने टेस्ट करना है। टेस्ट आप वर्बली भी कर सकते हैं और लिख कर भी कर सकते हैं, यानी आप वर्बली अपने आप को सुनाएं कि आपने क्या याद किया, या आप लिख कर देखें कि आपने क्या याद किया। तो इस टेक्निक से आप कोई भी पैराग्राफ चाहे जितना भी लंबा हो उसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं। इसी तरह की एक और टेक्निक है SQ3R। SQ3R भी PQRST की तरह आपको लंबे पैराग्राफ्स याद करने में मदद देगी। SQ3R से मुराद है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। सर्वे से मुराद है कि आपने जो भी पैराग्राफ याद करना है उसको आप सरसरी तौर पे देखें और समझे कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है। पिछली टेक्निक की तरह बिल्कुल आपने वैसा ही करना है कि आपने जो सर्वे किया उसके ऊपर अपने आप से क्वेश्चन करें कि मैंने क्या देखा। इसके बाद स्टेज आती है रीड करने की और रिसाइट करने की। आपने पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद उसे दोहराना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा। अगर एक दफा में आप सारे को नहीं दोहरा सकते तो आप दूसरी दफा रीड करेंगे और फिर दोहराएंगे। 2 से 3 दफा रीड करके दोहराने में आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। रिसाइट जो करना है वो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, यानी वर्बली भी कर सकते हैं और लिख कर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने रिव्यू करना है, यानी आपने देखना है कि आपको जो कुछ आपने रिसाइट किया वो सब अच्छी तरह से याद है कि नहीं। अगर नहीं है तो एक दफा और उसे रिसाइट कर ले, तो इस तरीके से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। ये दूसरी टेक्निक भी पहली टेक्निक से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है। आपको जो टेक्निक इन दोनों में से बेहतर लगे आप उसको यूज करें और मेमोराइजेशन को इम्प्रूव करें। एक बात जहन में रखें कि जब भी किसी चीज को याद करना होता है तो उसको अगर आप लाउडली याद करते हैं, ऊंची आवाज में याद करते हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होती है।
इसके साथ साथ अगर आप किसी चीज को लिख के याद कर लेते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाती है। और इसके बाद अगर आप एक और स्टेप ले ले कि आप जो कुछ याद कर रहे हैं उसके शॉर्ट लिस्ट करके उसके कुछ पॉइंट्स लिख ले, तो उससे भी आप बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को काफी अरसे तक याद रख सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्ड एसोसिएशन का तरीका बताया था, जिसमें हम जो भी वर्ड याद करना होता है उसको उसकी किसी क्वालिटी के साथ रिलेट कर लेते हैं। अब मैं आपको उसी वर्ड एसोसिएशन के साथ एक और चीज ऐड करके स्टोरी मेथड का तरीका बताऊंगी, जिससे आप ज्यादा नंबर्स, ज्यादा वर्ड्स, ज्यादा चीजें, टेबल्स वगैरह याद कर सकते हैं। स्टोरी मेथड में दो चीजें काम आती है, एक होती है इमेजिनेशन और दूसरी होती है वर्ड एसोसिएशन। जब भी हम याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको इमेजिन करता है, यानी आपने सेब को याद किया तो आपने सेब की पिक्चर अपने जहन में देखी, इमेजिन किया उसे कि ये सेब है। तो जब हम इमेजिनेशन और वर्ड एसोसिएशन को मिलाते हैं तो हम एक स्टोरी मेथड के तरीके से बहुत से वर्ड्स, टेबल्स या फिगर्स या किसी भी चीज को हम याद कर सकते हैं। यानी हमने उनको जिस तरतीब से याद करना है उस तरतीब में उनको इमेजिन करें एक दूसरे के साथ। सपोज आपने 5 वर्ड्स याद करने हैं, टेबल, एप्पल, पेंसिल, पेपर और चेयर। आप अब उसको एक तरतीब से याद करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उन वर्ड्स को आपस में एसोसिएट करके यानी जोड़ के और उनको एक इमेजिन करके स्टोरी में आप याद रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। जिस तरह से आप देखते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल पे एक एप्पल पड़ा हुआ है। अब जो एप्पल पड़ा हुआ है उसकी पिक्चर आपने ड्रॉ करनी है, उसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास एक पेंसिल है और आपके टेबल के ऊपर एक पेपर पड़ा हुआ है। अब आप पेंसिल से वो पेपर पे ड्राइंग बनाने के लिए चेयर पे बैठ जाते हैं। तो जब आपने ये पूरी स्टोरी एक बनाई तो आपको वो तरतीब से वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे कि टेबल है, टेबल पे एप्पल है, एप्पल की पिक्चर बनानी है पेंसिल से, पेंसिल से पेपर पे बनानी है और पेपर पे बनाने के लिए आप चेयर पे बैठते हैं। तो जब आप स्टोरी मेथड को यूज करते हैं तो इससे आप बहुत ज्यादा वर्ड्स को भी बहुत इजीली याद कर लेते हैं। दुनिया में मेमोराइजेशन के बहुत से मुकाबले जो होते हैं उनमें भी लोग यही टेक्निक्स अपनाते हैं, और इन्हीं टेक्निक्स पर जब बार बार प्रैक्टिस की जाती है तो फिर आप अपनी मेमोराइजेशन की ताकत को इम्प्रूव करते जाते हैं और नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज करते जाते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे विद अनदर टिप फॉर बेटर लाइफ।